नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों देखिए, बहुत दुख की बात होती है जब आप लोग ऐसा कहते हैं कि जब पेपर नहीं होगा तो हम अपने आप को कुछ कर लेंगे। भाई पेपर ही ज़िंदगी नहीं है, इतना समझ लो। और पेपर क्यों नहीं होगा, पेपर अपने समय पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे एक भाई साहब थे पिछली बार जब आपका नवंबर अक्टूबर सितंबर के आसपास में जो पेपर हुआ था, सितंबर अक्टूबर नवंबर सितंबर में, अक्टूबर में जो रिजल्ट आया था 24 के आसपास में, जिस दिन यूपी टेट के जो फॉर्म के डेट थे वो लास्ट थे, तो उन्होंने एक वीडियो भेजा था मुझे, है पर्सनल नंबर से, मतलब जहाँ से भी भेजे थे। उसके बाद उस नंबर पर हमने कॉल किया तो कॉल वगैरह लगा नहीं, उन्होंने अपना फ़ोटो भेजा और इस तरह के बोले कि उसको डाल दीजिए सर। तो हमने उसको डाला और उसके बाद उनको समझाया भी, बहुत तरीक़ों से उनको समझाने का प्रयास किया और समझे, और बाद में पेपर दिया, पास भी हुए। उस वीडियो को हमने डाल रखा है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही एक दो तीन बहन जी हैं और भाई जी साहब, वो बोल रहे हैं कमेंट में कि सर अगर पेपर, एक लोग तो कुएं से, कुएं में पैर लटका कर अपना फ़ोटो भेज रहे हैं, भाई डरा रहे हैं कि सर पेपर करवाइए। भाई देखना, ये सब से कुछ नहीं होता है ना, अपना जो आपका धैर्य है वह मत खोइए। धैर्य खोने से कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और एग्ज़ाम को तो अपनी औकात दिखानी है हमें, तो उसके लिए तो हमें जीवित रहना पड़ेगा। और पीएनपी सचिव को भी अपनी औकात दिखानी है ना, स्टूडेंट लाइफ का, स्टूडेंट शक्ति का, स्टूडेंट एक तरह से यूनियन का। तो क्यों हम हार जाएँ भाई, ज़िंदगी में जब तक लड़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। साथियों आपके लिए सारे क्लास लिए जाते हैं दिन भर, और आप लोग को यह दिन देखने के लिए थोड़े हम देते हैं क्लास की, आप लोग सारा मतलब एक तरह से बखेड़ा खड़ा करिए ना, आप लोग क्लास देखिए। और आप लोग के जो एग्ज़ाम हैं या जो सचिव के अनुसार देखा जाए, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भाई आपके जो एग्ज़ाम हैं वो शेड्यूल होंगे 10 मार्च के बाद, 10 मार्च के बाद एक सूचना जरूर हम देंगे आपको, आपके एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाएंगे। तो आप लोग क्यों विचलित होते हैं फालतू बकवास से नहीं। और बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग किए हैं, एक तरह से कह लीजिए कि जो पीएमओ ऑफिस है वहाँ पर भी एक नोटिस दिया गया है प्रमोट होने वाला, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला। ये होगा तो एग्ज़ाम ही होगा, और तय सीमा पर होगा। अगर इस बार टला एग्ज़ाम तो सीधा प्रमोट की बारी, अब हम लोग ही उतरेंगे फिर मैदान में, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखेंगे, आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस आज बिल्कुल स्टेट बिल्कुल फोकस करना है, फोकस करके अपने एग्ज़ाम के लिए उसकी तैयारी करनी है। और ये सब बकवास की बातें ना किया करो यार, आप लोग बहुत, आप लोग एग्ज़ाम के लिए नहीं, आप ये सोचो कि आप लोग के लिए भी बहुत सारे लोग हैं जो जीवित रहते हैं, माँ बाप, उनके बारे में कम से कम सोचिए। ये सब बेकार की चीज़ें हैं, क्यों माता बच्चे करते हैं फालतू का। अब ऐसे कमेंट कोई नहीं करेगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट भाई, समझ रहे ना। कोई दुख हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये सब बातें पता है आपको कमज़ोर बना देती हैं, अंदर अंदर से घुटने पे मजबूर कर देंगी। तो ये सब फालतू की बातें ना किया करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और जो भाई बहन ऐसे कमेंट करते हैं, एक तरह से डरवा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हमको ये तो नहीं पता, लेकिन अगर ऐसे सच में सोचते हैं तो ये आपकी दिमाग का कचरा है ना, इसको बाहर निकालिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। जब तक जीना है तब तक संघर्ष तो करना ही है किसी न किसी तरह से। जो खुश होते हैं क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं होता, उनके जीवन में भी संघर्ष होता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वो सारी चीज़ें आप देखिए करिए, और एक जुनूनी बनिए, हार मत मानिए, लाइफ बहुत बढ़िया है।